इसलिए जो जनता चाहती है उसका लहर चलता है, किसी पार्टी किसी लोग का लहर नहीं रहता है। जी, महागठबंधन से क्या अनुमान है कि कितना सीट जो है ला पाएंगे? महागठबंधन से क्या होगा, अब हम जिस दल के हैं कहेंगे 40 का 40 जीत जाएंगे, पूरा सत्ता में आएंगे। तो जो बोलेगा तो वो तो सब झूठे खुद से बोलता है, तो क्या आएगा 23 तारीख को वो सब सामने आ जाएंगे। चालीसों जीत रहे ये मीडिया क्या होगा वो तो आप जो है 20 साल राजनीति में चर्चा भी है, और जो है 2014-2019 का मुकाबला मोदी का क्या? देखिए 2014 और 2019 में तो लोग साफ फर्क मान रहे हैं इस बार, ये मैं नहीं बोल रहा। देखिए कोई भी दल है तो उसका जो मैनिफेस्टो होता है, जैसे 2014 में जो मैनिफेस्टो लेके दल आया, आपने उस मैनिफेस्टो पे क्या काम किया? जो वादा आपने पूरे देश में किया उसको आपने कितना पूरा करने का काम किया? 2019 फिर या अगला चुनाव उसी पर निर्भर। तो 2014 में क्या हुआ, 2019 आ गया क्या है, आप भी जानते हैं, सारा देश दुनिया के लोग जानते हैं, लोगों को खाली ठगने का क्या कहना है। हम भागलपुर की जनता को कई नेता ने वादा किया कि हवाई जहाज उड़ा दिया जाएगा, लेकिन आज तक जो है हवाई जहाज नहीं उड़ाया। क्या आपकी सरकार जो है केंद्र में और आप ये महागठबंधन बिहार में आती है, तो क्या आप भागलपुर में हवाई जहाज उड़ाने की? देखिए आदमी को प्रयास करना चाहिए, सब चीज आदमी के हाथ में नहीं है, हमारे आपके हाथ में कुछ नहीं है, उसको ऐसे समझिए कि लोग कामना जो होता है, कामना मतलब इच्छा होने का है? वो कामना जो है वो आपके मन पे नहीं है कि आपके इच्छा से कुछ हो जाए। चाहे देखिए हर आदमी की कामना होती है कि धन हो जाए, हम बड़े पद पे चले जाएं, हमको बेटा बेटी हो जाए, मुख्य रूप से यही रहता है। आप बताइए कि आप बेटा बेटी चाहेंगे कि हमको बेटा हो जाए तो आपके चाहने से होगा भैया? नहीं नहीं। आप चाहेंगे कि बहुत धन हो जाए तो आपके चाहने से धन हो जाएगा, जाइएगा धंधा करने धंधे बैठ जाएगा। आप चाहिएगा बहुत हम पद पे चले जाए, चुनाव लड़िएगा चुनावे हार जाइएगा, जाइएगा IAS का परीक्षा देने परीक्षा खत्म हो जाए। तो ये किसी के चाहने से नहीं होता, ये ईश्वर की कृपा होती है। जिस आदमी पर ईश्वर की कृपा होती है, जिस पर पूरे लोगों का सहयोग होता है, तो निश्चित रूप से ईश्वर सारी चीजों को पूरा कर लेता है। इसलिए आदमी को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, आराम से काम करना चाहिए। क्या मतलब है कि आज बोल देंगे हवाई जहाज उड़ा देंगे, कल नहीं उड़ा तो ये पूछेंगे ना रामगोपाल हो गए क्या हुआ, बड़ा व्यवसायिक मंच में लंबा लंबा भाषण दे रहे थे कि एकदम अगला पंचवर्षीय में उड़ा देंगे, तो उस दिन क्या जवाब है? सांसद महोदय, आज कि आपने बड़ी ईमानदारी से बेबाकी से यहाँ रखे हैं, क्योंकि मैंने कोई ऐसा वादा नहीं किया जो झूठा वादा हो, और आज चुनाव का माहौल है, इस परिदृश्य में कोई झूठा वादा नहीं करूँगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद आपका जो मैनिफेस्टो है उसमें क्या खामी? नहीं, उस पर पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, 20 साल से कर रहे हैं लगातार, 16 घंटा काम कर, 1-2 घंटा नहीं, 16 घंटा प्रतिदिन का हमारा रूटीन। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो भैया देखे हैं ना, सवेरे 6 बजे से लेकर 12 बजे तक, 12 बजे दिन में निकलते हैं, 2 बजे भोर तक।